अरे ये हमारा पुराना बंदा है जैनम, और ड्राइवर बाकी तीन जन का नाम नहीं बोल रहा है। ड्राइवर है अंशिका, हमारा नया ड्राइवर है। मेरी सब्सक्राइब करती है, वो भूल गए शायद। इनका नाम विशाल भाई है, और ये भाई पार्थ, पार्थ पार्थ, और आप वंशिका। वंशिका, तो हमारा पांच लोग का ग्रुप है, और बाकी चार लोग आए नहीं अभी तक। पांच लोग नहीं आए। सिस्टर आगे, कंडक्टर भी बोल सकते हैं। और ये हमारे दो भाई है, फुल एंजॉय किया हमने। टिकट ले रहे हैं अभी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं वड़ाला में, मुंबई वड़ाला ईस्ट में आता है, और यहां से अभी हम लोग जा रहे हैं लोनावला। मैं वेट कर रहा हूं हाईवे पे, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो आ रही है। हमारे जो साथ में जाने वाले वो लोग आ रहे हैं अभी। यहां से 5 मिनट लगेगा, मैं वेट कर रहा हूं लोगों को। फिर यहां से सीधा जाएंगे अटल सेतु, जो नया फ्लाईओवर है वो पकड़ के जाएंगे। और ये सामने देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर है, और ये अजमेरा का टावर है, और ये मोनो रेल है। मुंबई में सिर्फ चलती है, पूरे इंडिया में सिर्फ मुंबई में है, और थोड़ा सा लोकेशन पे ही है, ज़्यादा नहीं है। सुबह के अभी बज रहे हैं अराउंड 8:30 बज रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे तो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग जाएंगे, क्योंकि 94 किलोमीटर जो पनवेल से है, यहाँ से अराउंड 120 या 125 किलोमीटर के आसपास में है। तो मैं चलता हूँ पहले अपोजिट साइड में, अभी उन लोग आने में करीब 5 मिनट लगेंगे। सो गाइज, अभी आ गए हैं फूड प्लाजा पे, और यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करना है। अराउंड हम लोग आ चुके हैं 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, और यहाँ पे लग चुका है 45 मिनट। ये अटल सेतु से आते तो टाइम कम लगता है, वैसे तो कम से कम यहाँ पे तक आने के लिए 1.5 घंटा लगता है, बट हम लोग 45 मिनट्स में आ गए हैं। ये है अपनी कार, अब यहाँ पे पार्क किए, अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके फिर आगे निकलेंगे। यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है, बहुत करीब में आ गए हैं। सो गाइज, अभी यहाँ से पार करके अभी थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, और अराउंड आधा घंटा का और रास्ता बचा है, हाईवे पे ही है। और यहाँ पे बहुत सारे मैकडोनल्ड वगैरह सब, बहुत सारे अलग अलग जो फूड वगैरह हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब यहाँ से निकलेंगे, 20-25 मिनट लगेगा, 20-25 मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। और धूप मतलब यहाँ पे अच्छी खासी है, गर्मी है, टेम्परेचर अराउंड 33 के आसपास है, बट 33 है, बट जैसा फील हो रहा है ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 40 प्लस है, बट ठीक है। मुंबई सिटी से बाहर है बहुत सारे, मतलब ये ज़्यादा करके लोग यहाँ पे स्टॉप लेते हैं जब मुंबई सिटी से बस ये तरफ आते हैं, पूना हो गया, गोवा हो गया, और अपना लोनावला वगैरह के लिए निकलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा फूड प्लाजा है। सो अभी यहाँ पार कर दिए हैं, अब चलते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। सो गाइज, अभी थोड़ा सा घाट आ गया है और रास्ता कच्चा आ गया, हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गए, और ये रास्ता बहुत ही डेंजर है, देख सकते हैं आप, आसपास में जंगल है, और यहाँ पे ज़्यादा करके ये विला वगैरह कम है दूसरे साइड में। अब यहाँ से कच्चे रास्ते होके जाएंगे, और पूरा पूरा कच्चा रास्ता है, और यहाँ पे थोड़ा विला वगैरह कम है। और ये देख लीजिए, घाट है छोटा सा, और यहाँ से थोड़ा सा भटक गए हैं, ये सीधा ये यहाँ पे जो गांवटी लोग हैं वो लोग रह रहे, ये पूरा देख रहे कच्चा रास्ता है। अब यहाँ से जाएंगे नीचे, थोड़ा रास्ता अच्छा है अभी, और ये अपनी गाड़ी है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं, हम पहुँच चुके हैं लोनावला, और यहाँ पे टेम्परेचर मतलब कम है, अभी सिटी के अंदर जैसे घुस गए तो यहाँ पे टेम्परेचर 25 के आसपास में है, और काफ़ी बेहतरीन है लोकेशन। अभी जो शाम में जैसे होगी वैसे वैसे ठंडा हो जाएगा। और ये हम लोग अभी थोड़ा सा मैप्रो करके है, गार्डन है, मैप्रो गार्डन, वहाँ पर कुछ खाने पीने का नाश्ता वगैरह जूस वगैरह मिल रहा है, तो यहाँ पे हल्का फुल्का लेंगे और फिर आगे जाएंगे, जो हम लोग का होटल है वहाँ पे जाएंगे। ये देखो मैप्रो करके है, यहाँ पे सब सारे अलग अलग जो जितने भी फ्रूट्स हैं उसके जूस वगैरह मिलते हैं, काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पे सब वेराइटीज़ के जूस हैं, ये जितने हैं सारे फ्रूट्स के, जामुन का जूस है और एप्पल का जूस है, और ये सीताफल है कोई, और उसके जूस है, मतलब जितने भी मिलेंगे आपको यहाँ पे सिर्फ जूस मिलेगा। ये देखो पेरू का जूस है, 180 का एक बॉटल है, काफ़ी मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये क्वालिटी में मिलेगा। इसका एक अपना मैप्रो का अपना ही ब्रांड है, ऑरेंज का है, और बहुत सारी चीज़ें जिसका मेरे को नाम भी नहीं मालूम है, कौन सा शरबत है, ये देखो शरबत है, ये सब भी जूस है, देखो ये ग्रीन एप्पल का जूस है, और इतने सारे वैरायटीज़ हैं, मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं ऐसा कोई फ्रूट नहीं जिसके उसके जूस नहीं मिलेंगे यहाँ पे।
ये देख लीजिए चॉकलेट पान जूस है, ये चॉकलेट पान जूस है, इसमें सारे मतलब कई सारे चॉकलेट और कई सारे वेराइटीज़ जो हैं मतलब अलग अलग फ्लेवर है वो मिक्स हैं। और यहाँ पे देख लो चॉकलेट आलमंड डेट, ये देखो अलग है, इसमें खजूर वगैरह ये सब भी मिक्स है। ये देखो ये अपना नींबू का है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 650 रुपये का एक बोतल है। और यहाँ पे ज़्यादा करके सब 200 के आसपास में सारे जूस हैं। और ये देखो ये मिक्स है ब्लू कैराकॉन, इसमें ऑरेंज है, लेमन है, ऐसा बहुत सारे 3-4 फ्रूट्स हैं। और ये देखे पुदीने का है, ये नीचे देखे पुदीने का जूस है। इतने सारे वैरायटीज़ हैं, चॉकलेट चिप्स कुकी कॉइन है और बहुत सारी चीज़ है, देख लीजिए अलग अलग ऐसे इतने सारे जूस हैं कि आप लोग ने कभी देखा भी नहीं होगा। ये देखिए 585 रुपये का, इसमें कम से कम अराउंड 5 से 6 वैरायटीज़ के जो जूस हैं पैकेज है। और इसका प्राइस है कितना है, 702 रुपया है, बट इसको डिस्काउंट होके 585 रुपया स्पेशल ऑफर चल रहा है इसका। ये फ्रूट जेली लॉलीपॉप है, इनका जो ब्रांड है ये लोग खुद बनाते हैं। इसमें भी कई सारा ऑरेंज है, ग्रीन एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, तीनों मिक्स है इसमें। ये स्ट्रॉबेरी का जूस है, फ्रूट है, ये स्ट्रॉबेरी एक स्ट्रॉबेरी का है और ये इसमें स्ट्रॉबेरी है और एक और फ्रूट कोई मिक्स है, उसका नाम तो लिखा नहीं है यहाँ पे। और ये देखो वो है जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम है, और नीचे भी स्ट्रॉबेरी का जूस है, छोटा पैक है ये। ये देखो मैंगो फ्रूट जैम है, ये मिक्स फ्रूट जो है उसका जैम है 234 का, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता ही है। तो गाइज ये है छोटा सा पार्क और हम लोग ने थोड़ा सा स्टॉप लिया था यहाँ से। जैसा मैंने दिखाया बहुत सारे वैरायटीज़ के फ्रूट्स हैं, मतलब फ्रूट के जूस हैं यहाँ पे, शरबत है, जूस है, मतलब जितने भी मैं दिखाया मैंने, मतलब कोई ऐसा फ्रूट नहीं है, जैसे नींबू से लेके सारे चीज़ के मिलेंगे यहाँ पे। और ये छोटा सा पार्क है उसका बनाया हुआ है और मेरे आसपास में देख ले, और ये सिर्फ पार्क ही है। और यहाँ पे क्लाइमेट जैसा ना, धूप तो है बट ये क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है और उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, टेम्परेचर अराउंड जैसे मैंने बताया कि 25 के आसपास में है, 25-26 के आसपास में है, बट उतना धूप नहीं लग रही है। लोनावला की यही खास बात है, जैसे ये शाम होगी वैसे वैसे ठंडा हो जाएगा ये क्लाइमेट। और ये पार्क के पीछे होटल भी है, खाने पीने का होटल है, तो आगे जैसा पूरा जूस का ही है। और ये जो कंपनी है मैप्रो, ये खुद अपनी इनके खुद का ब्रांड है, ये खुद जूस बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लाते हैं, तो काफ़ी फेमस है। अगर आप यहाँ पे आए तो ज़रूर ट्राई करें, थोड़ा एक्सपेंसिव है बस उसका टेस्ट भी लाजवाब है। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधा, हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से होटल पे, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। देखो शायद थोड़ा धूप कम होगी, जो शाम का नज़ारा होगा वो लाइन पॉइंट है जो बहुत ही फेमस है, बहुत सारे क्राउड आज होने वाली, क्योंकि आज जुमा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो रहता है बहुत गर्दी रहती है, और इसके लिए मुंबई पूना से भी लोग आते हैं यहाँ पर। ये जो फ़ैन चल रहा है ना, ये फ़ैन इतनी दिख रहा है आप लोग बहुत स्लो चल रहा है बट वो अच्छी खासी हवा देता है। और यहाँ पे देखो लो होटल है, ये शाम में चालू करेंगे, अभी दिन में बंद रहता है। ये जूस का वो साइड में जाएंगे तो जूस वाला है, और वो जो होटल अभी चालू है वो पीछे है, अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो अभी हम वो लोग यहाँ तो नहीं खाना खाएँगे, अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का जूस लिया है और अभी यहाँ से जा रहे हैं। और ये गाइस मैप्रो का कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा ऊपर सिंगल है, ऊपर कुछ नहीं है, पत्रा वगैरह है। सो गाइज अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का क्या है अभी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी के बगैर यहाँ पे काम नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी हो तो ही ठीक है। मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि मतलब कोई भी हिल स्टेशन पर जाएँ तो अपनी गाड़ी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल करना एक से दूसरी जगह बहुत ही मतलब टफ होता है, और रिक्शा वाले जो हैं वो उनका रेट भी हाई रहता है हिल स्टेशन पे, ऐसी सब जगह रहेगा, कोई भी चले जाओ महाबलेश्वर खंडाला। और जैसा कि यहाँ तो मुंबई से यहाँ पे अराउंड 125 किलोमीटर के आसपास है, और पुणे से ये नज़दीक है, पुणे से अराउंड है 64 किलोमीटर, पुणे से काफ़ी नज़दीक है। और ये जो पूरा हिल स्टेशन है वो ब्रिटिश लोग के टाइम पे मतलब यहाँ पे चालू किया था, उन लोग ने ही ये लोकेशन फाउंड किया था। वैसे उसके पहले मराठवाड़ा जो रहते हैं शिवाजी महाराज के, वो लोग के मतलब यहाँ पे आसपास में रहते थे, जो गांवटी लोग हैं, जो यहाँ पे घाटी लोग हैं, घाट पे रहने वाले वो सब रहते थे, बट यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस नहीं था वो टाइम। उसके पहले जब ये ब्रिटिश लोग ने यहाँ पर आया तो टूरिस्ट पॉइंट बनाया, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा टूरिस्ट पॉइंट हो गया है। मतलब लोग मुंबई नासिक से लेके नासिक पूना मुंबई सब जगह से लोग यहाँ पे जब वेकेशन होता है, मतलब
सैटरडे संडे तो नॉर्मली आता है, यहाँ पे लोग ड्रिंक भी करने आते हैं, जो नाइट को ड्रिंक करते हैं। बहुत सारे विला हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे बंगलो हैं जो यहाँ पे रेंट पे मिलते हैं। पूरे पूरे बंगले आप अगर फैमिली बड़ी है या अपना लेना चाहते हैं जैसा बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं, पूरा पूरा बंगला यहाँ भाड़े पे मिलता है। यहाँ पे कैसा है कि इंजॉय करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, बाकी ऐसा कुछ देखने के बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। कि थोड़ा बहुत है जैसे लाइन पॉइंट है, ऐसा ऐसा पॉइंट है, तो मतलब 8-10 है जो देख सकते हैं। बट मतलब लोकेशन ये रहेगा, अगर बारिश के टाइम में अगर यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। बारिश के टाइम में जो वाटरफॉल होता है और जो फॉग होता है वो बहुत ही मतलब बेहतरीन होता है। बट यहाँ पे जो गर्मी के टाइम है, अभी गर्मी के टाइम है, ये टाइम पे यहाँ पे शाम के टाइम में मौसम बड़ा चिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अभी भी उतनी गर्मी नहीं है, टेम्परेचर जैसे मुंबई में 34 या 35 के आसपास में है, बट अभी यहाँ पे 25 से भी थोड़ा कम है। सो गाइस अभी अब आ गए हैं यहाँ पे होटल पे, यहाँ से खाना खाएंगे दोपहर का लंच लेके। यहाँ पे मैं लूँगा हल्का फुल्का बिरयानी, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, सारे वेज फूड हैं, बट वेज फूड भी अच्छा रहता है, बट वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे चिकन बिरयानी खाऊँगा। और ये अभी गर्मी तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया है, अराउंड 1 घंटे के बाद ही टेम्परेचर यहाँ पे हो गया 35, बट उतनी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि हवा यहाँ चल रही है, पूरा हिल स्टेशन है। और अभी खाना खा के यहाँ से मैं चलता हूँ होटल पे। और यहाँ रोड का कुछ ऐसा नज़ारा है, दोपहर के टाइम है, टेम्परेचर इतना बढ़ने की वजह से पब्लिक कम दिख रही है। जैसे 4-5 बजे का पब्लिक, ये पूरा रोड एकदम रनिंग हो जाएगा। और ये आज फ्राइडे है, शाम में पब्लिक ज़्यादा आएगी मुंबई और पुणे से और नासिक के एरिया से। सो गाइस अभी लंच हो गया है, यहाँ पे मैंने हल्की बिरयानी लिया था, बहुत ही टेस्टी थी, लाजवाब था, क्योंकि ज़्यादा करके हिल स्टेशन में जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं उनका टेस्ट अलग रहता है। ये जितने शॉप दिख रहे हैं, चिक्की वाला है, मगन लाल चिक्की वाला, और ये मगन लाल, सब मगन लाल मतलब एक ही ऑनर है क्या? मगन लाल का ही है, बहुत लंबा है, यहाँ से देख रहे हैं ये गाइस, ये मगन लाल का सब वहाँ तक है। या तो अलग अलग शॉप होगा, नाम एक ही होगा, बट मुझे लगता है कि एक ही है। नहीं नहीं, ये अलग है, मगन लाल है, उसके पीछे और भी कुछ है। अभी ये स्टार्टिंग के रोड में है, फिर भी इतने सारे शॉप्स है। और अंदर जाएंगे अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, और अंदर जाएंगे तो सारे लाइन से चिक्की के ही शॉप हैं। और गाइज अभी चलते हैं, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, चलते सबसे पहले होटल पे। और बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं बट सबको यूज़ करना चाहिए। और मुझे बहुत केयरफुली यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत ही स्पीड से आती है, क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं और बाइक कार सब सडनली आ जाती है। और ये भी देखो चिक्की है सामने, रेनबो चिक्की वाला। यहाँ पे ज़्यादा करके चिक्की के शॉप मिलेंगे क्योंकि यहाँ का फेमस है, जैसे आगरा का पेठा मशहूर है वैसे यहाँ की चिक्की मशहूर है। अभी ये छोटी सी गली है और मैं इसमें ले रहा हूँ टन, ये देखो, ये समझ लो हम लोग बहुत ही ऊपर हैं। और ये नीचे देखो, ये पूरा जंगल एरिया, ऐसे पूरा पूरा लोनावला ऐसे ही था, जंगल था, घाट था। और ये देखे रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ की, ये साइड से मुंबई से आएगी और ये साइड में जाएगी पुणे की तरफ। अभी मेरा ये रोड तो बहुत ही ख़राब है, रोड मतलब क्रॉसिंग बहुत ख़राब है, बहुत स्लो स्लो जाना पड़ा। गाड़ी अच्छी है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट बंद हो जाता है कभी भी। ये देखो अभी मैं घाट के ऊपर ही जा रहा हूँ, ये चढ़ने का ही रास्ता है, काफ़ी बेहतरीन है, रिलैक्स मतलब आदमी एकदम रिलैक्स रहता है यहाँ पे, माइंड फ्रेश हो जाता है। अभी मेरा आ गया होटल, ललित होटल के बाजू में है, वो ललित नहीं है, दूसरा ललित है, ये छोटा सा एक होटल है, वो ललित तो बहुत ही बड़ा है। अभी हम करेंगे यहाँ पे गाड़ी पार्क। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये सामने जो दिख रहा है वो हमारा होटल है। और पार्किंग भाई साहब के पास है नहीं तो मुझे यहीं पार्किंग करना पड़ेगा, एक गाड़ी ये अपनी है और एक गाड़ी ये है। सो गाइस गाड़ी मैंने कर दी है पार्क, ये हमारी पीछे गाड़ी है, अभी एंट्री कर रहा हूँ यहाँ से। ये इसका छोटा सा एंट्री गेट है सामने की तरफ, ये हमारा होटल का एंट्री है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, 3 बंगलों का जैसा है, 4 बेडरूम का एक बंगला है छोटा सा। और ये नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सब जो होटल के अंदर ही है, काफ़ी साफ़ सफाई है, बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, रिजनेबल प्राइस है। और यहाँ देख लीजिए आसपास में जितना है सब छोटे छोटे विले हैं, और वहाँ बाजू में छोटा सा मतलब छोटा गांव वालों का छोटा सा एरिया है।
और ये देखिए पूरा नज़ारा है। हम लोग थोड़ा हाइट पे हैं और ये सामने देख रहे तीन होटल है, एक ये है, ये हमारा बीच वाला है और एक साइड दोनों खाली है। मेंटेन अच्छे से किया हुआ है। बाकी नीचे देख लिए गांव है, जो यहाँ के घाटी लोग हैं उनका गांव है छोटा सा बाजू में। ये भी बंगलो है जो रेंट पे देते हैं और ये साइड पूरा छोटा सा पार्क और बनाया हुआ है, बाकी बेहतरीन है। और पीछे के साइड में स्विमिंग पूल है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ ही। यहाँ पे जिधर भी जाएंगे ग्रीनरी तो आपको जरूर मिलेगी, जो घाट साइड में है, जितना भी मतलब जितने भी ऊपर चले जाएं आपको ग्रीनरी तो 100% मिलना ही मिलना है। सो गाइस अभी हमारा होटल आ गए हैं, अभी एंट्री कर गए, अभी चेकिंग तो अभी हम लोग करें 5 मिनट पहले ही। और अभी वो लोग और लोग जो साथ में हैं सब गए हैं स्विमिंग पूल नीचे की साइड में है। और ये नीचे की साइड में जा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये पूरा मतलब जो लोनावला था पहले, सबसे पहले यही था, पहले कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल था। अभी बहुत सारी चीज़ ये सब भी किसी का होगा प्राइवेट, बस अभी कुछ बनाया नहीं है यहाँ पे। ये भी जो हम लोग जो होटल में है वो भी इतने ही नीचे पे है, इसके लेवल में है, बट ऐसा धीरे धीरे मतलब एक लेवल नहीं है यहाँ पे, कि एक फ्लैट जैसा ज़मीन होती है वैसा नहीं है, नीचे नीचे जाएंगे ऐसा घाट है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है ऐसा है। यहाँ पर अभी 3 घंटा 4 घंटा कैसा निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। बाकी ये देखो पीछे जंगल है, यहाँ पे देखो पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये जंगल है, कुछ हो सकता है जानवर वगैरह आ सकते हैं क्योंकि बड़े जंगल है वो साइड में, तो ये पूरा पूरा कवर किया हुआ है जितना भी है ना देख रहे हो ये। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं लायन गेट और ये अभी यहाँ पे पब्लिक कम है, अभी अराउंड इतने टाइम होना चाहिए था पर पब्लिक है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं थी। ये पूरा ग्राउंड है, ये पार्किंग पूरा फुल रहती है। और ये हमारे साथ में है तीन भाई लोग हैं, एक बहन बहन ही बोल सकते देखो, और ये हमारा पुराना बंदा है जैनम, और बाकी तीन जन का नाम नहीं बोल रहा है, ड्राइवर है हमारा, नया ड्राइवर है, सब्सक्राइब करती है वो भूल गए शायद, इनका नाम विशाल भाई है। और ये भाई पार्थ, पार्थ पार्थ और आप वंशिका। तो हमारा 5 लोग का ग्रुप है और बाकी 4 लोग आए नहीं अभी तक, पांच लोग नहीं आ रहे। उन लोगों को खाली खाने का पड़ा है। और यहाँ पे पार्किंग तो पूरा फुल रहती है, लास्ट टाइम आए थे पार्किंग फुल थी, बट ये टाइम खाली है, छुट्टी है फिर भी खाली है। और लोकेशन तो बहुत ही जबरदस्त है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, अराउंड यहाँ पे 25 ही होगा, 25 के आसपास में होगा, प्लस में होगा। और ये देखो राधा खा रहे हैं यहाँ पे आके, लाइन पॉइंट पे आके 1 रुपए का राधा खा रहे हैं, पैसा नहीं आना खाते। और लाइन पॉइंट पे गाइस ये सब स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, बट अभी ये टाइम तो पूरा खाली खाली लग रहा है, क्यों पता नहीं, समर वेकेशन भी चालू है, अभी छुट्टी वगैरह चालू, फिर भी पब्लिक नहीं दिख रही है, पूरा पूरा देखो ये पूरा भरा रहता है, खाली चल रहा है अभी, मालूम है कि बंद जैसा चल रहा है क्योंकि शाम का टाइम है, ये मेन टाइम है जो टाइम पे पूरा भरा रहता है। और हम आ गए हैं लाइन के एकदम बिल्कुल पॉइंट पे, और देख लीजिए इसके बाद जो है पूरा बेहतरीन लोकेशन देखने वाला है आप लोगों को, ये है गाइस लाइन पॉइंट, और ये देख लीजिए व्यू इतना बेहतरीन आ रहा है। अभी देखो थोड़ा थोड़ा फोग है, इसके लिए उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट ये ज़बरदस्त है, बारिश के टाइम में यह सामने से फोग आता है और इसकी गहराई तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही मतलब हम लोग बहुत ही हाइट पर हैं, काफ़ी हाइट है, और कुछ व्यू है, अभी सनसेट हो चुका है। पब्लिक बहुत ही कम है, देख रही है सारे जितने भी स्टॉल लगे हुए सारे खाली पड़े हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे, पब्लिक बिल्कुल दिख ही नहीं रही है यहाँ। सो गाइस ये पॉइंट ब्रिटिश लोग ने चालू किया, मतलब था ये पहले पॉइंट, बस यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह आते नहीं थे, यहाँ पे जो ये ब्रिटिश लोग थे ब्रिटिश के टाइम से यहाँ पे चालू हुआ है, इसके पहले मराठवाड़ा जो मराठी लोग का है, मराठवाड़ा जो शिवाजी महाराज हैं वो उनका एरिया था जैसे मैंने बताया है पहले भी। और ये सब में गांव साइटी मतलब घाटी लोग ही रहते थे, और ये सब जितना भी पॉइंट है सब ब्रिटिश लोग ने इसको फाउंड किया और इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया है, उसके पहले टूरिस्ट प्लेस ये नहीं था,
था, घाट ऐसे था बट यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। जब से उन्होंने ब्रिटिश ने चालू किया, बहुत सारे यहाँ विलास और होटल्स वगैरह सब यहाँ पे आ गए हैं। और ये पीछे जितना है, ये देखो ये बाउंड्री करके इसके नीचे पूरा खाई जैसा है, मतलब इसके आगे परमिशन नहीं है। कुछ साल पहले मैं जब आया था तो ये बाउंड्री नहीं थी, शायद कुछ घटना वगैरह हुई होगी या सेफ्टी के लिए बनाया होगा, इसके पहले तो नहीं था ये चीज़। बट ये सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे जो गया तो वापस नहीं आएगा, इतना डेंजर है। बट ये बारिश के टाइम में आएंगे तो ये सामने जो पहाड़ी वगैरह सब दिख रही है वो सब दिखेगी नहीं, क्योंकि फोग से पूरा ये कवर हो जाता है। काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है, अगर बारिश में आप लोग आते हैं तो इसका लोकेशन ही लाजवाब हो जाए, ज़बरदस्त हो जाता है। ये अपने सिस्टर बिस्किट खिला रहे, बस मंकी थोड़ा नाराज़ है इनसे, एक एक करके ले रहा है। ऑलरेडी है। और ये हमारे देखो विशाल भाई ना, विशाल भाई, भाई का तो नाम ही भूल जाता हूँ मैं, भरत भाई। अच्छा और ये देख लीजिए गले के पास वो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब खा के इधर रख ले, धीरे धीरे वो अंदर से खाते रहेंगे, ऐसा सिस्टम बना हुआ है उनके गले में। ये देखिए साइड में दिख रहा है इनके गले के पास में, ये साइड में। सो गाइस पब्लिक बिल्कुल है ही नहीं, जैसा हम लोग ने सोचा था कि बहुत सारी पब्लिक आएंगी और पूरा भरा रहेगा। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं थी, बट कुछ है ही नहीं, पब्लिक नहीं है। जो कि छुट्टी का टाइम चल रहा है फिर भी पब्लिक दिख नहीं रही बिल्कुल। ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, सब का पूरा पूरा भरा रहता है। हमारी पार्किंग भी दिखाया, पार्किंग भी फुल रहती है, बट कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरा जितना भी यहाँ पे टेबल वगैरह सब खाली खाली दिख रहा है, फिर जितने टेबल है कोई बैठ नहीं रहा, सिर्फ हम ही लोग दिख रहे हैं। और मिनिमम यहाँ से 30 से 40 या 50 लोग होंगे, और पूरा देख रही है ये सब फूला फुल रहता है, बट पता नहीं क्यों पूरा खाली है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं होटल में, और अराउंड बज चुका है 7:45 बज रहा है और चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। और ये देखो हमारा जो वेल ट्रेंड ड्राइवर है, ये अभी पूरा परफेक्ट हो चुका है, तो मैं इसके लिए अभी रिलैक्स हो गया, फ्री हो गया हूँ बिल्कुल। और हमारी ये सिस्टर आगे कंडक्टर भी बोल सकते हैं और ये हमारे दो भाई है, फुल एंजॉय किया हमने, टिकट ले रहे अभी, मैगी खाया। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए लोकेशन पे। अभी चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, गुड बाय।